चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। थाना मार्गला के इलाके मजिस्ट्रेट ने खातून मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी को धमकी देने के केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। वारंट गिरफ्तारी थाना मार्गला में 20 अगस्त को दर्ज मुकदमे में जारी किए गए। मुकदमे में इमरान खान के खिलाफ दिफा 504, 506 और 188-189 लगाई हुई है। इमरान खान के खिलाफ थाना मार्गला में दर्ज मुकदमे का नंबर 407 है। मुकदमे में दिफा 506 धमकी अमेज बयान देने पर दर्ज की गई। दोस्तों, इमरान खान ने भी बड़ा फैसला कर लिया है। इमरान खान का कहना है कि जालिमों को मजीद मोहलत नहीं दी जाएगी, जल्द तारीखी लॉन्ग मार्च की तारीख का बाज़ाब्ता ऐलान करूंगा। करप्ट और मुजरिम ग्रोह के खिलाफ फैसला कुन तहरीक का मरला आन पहुंचा है। कानून की हुक्मरानी आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। अशराफिया और आवाम के लिए अलग अलग कानून की रवायात मुल्क को तबाही की दलदल में धकेल रही हैं। दोस्तों, चेयरमैन इमरान खान की जानिब से जिम्मेदारान को अहदाफ सौंप दिए गए। आप बस तैयार हो जाएं क्योंकि ये जंग लड़नी है। इमरान खान जल्द तारीखी लॉन्ग मार्च की तारीख का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे।